जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉलेशन से लेकर लाइव टीवी तक जाने पूरी डिटेल। जियो फाइबर ने टैरिफ प्लान्स की घोषणा के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस सब्सक्राइबर्स को सेट टॉप बॉक्स देने का ऐलान किया था। यह फ्री जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स एंड्रॉइड आधारित स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर है जिसे सब्सक्राइबर HDMI कनेक्शन का उपयोग करके अपनी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। रिलायंस जियो ने जियो फाइबर के प्रीव्यू ऑफर सब्सक्राइबर्स को पेड प्लान के लिए माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। इस प्रोसेस के तहत जियो फाइबर अपने ब्रॉडबैंड सर्विस के मौजूदा यूजर्स को एक फ्री सेट टॉप बॉक्स दे रहा है। इसके अलावा कंपनी नए ग्राहकों को भी सेट टॉप बॉक्स ऑफर कर रही है। यहाँ हम आपको जियो सेट टॉप बॉक्स के बारे में पूरी डिटेल बता रहे हैं। क्या है जियो सेट टॉप बॉक्स? जियो फाइबर ने टैरिफ प्लान्स की घोषणा के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस सब्सक्राइबर्स को सेट टॉप बॉक्स देने का ऐलान किया था। यह फ्री जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स एंड्रॉइड आधारित स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर है जिसे सब्सक्राइबर HDMI कनेक्शन का उपयोग करके अपनी टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स ब्लूटूथ आधारित रिमोट कंट्रोल HDMI केबल इंटरनेट केबल और एक क्विक स्टार्ट गाइड के साथ आता है। जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स अभी कुछ एप्स और सर्विस से कंटेंट स्ट्रीम कर सकता है। यह आम DTH सेट टॉप बॉक्स नहीं है और इसका यूज सिर्फ इंटरनेट से कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए किया जा सकता है। किसी अन्य ऑनलाइन स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर की तरह इससे भी कंटेंट को स्ट्रीम करने के लिए आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स एंड्रॉइड 7.0 पर आधारित है और दिसंबर 2018 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है। फ्री में कैसे मिलेगा जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स? जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स कंपनी की ब्रॉडबैंड सर्विस के मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। अगर आप नए ग्राहक हैं तो आपको रेगुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस के रूप में सेट टॉप बॉक्स मिलेगा। वहीं मौजूदा जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर के यूजर्स को फ्री सेट टॉप बॉक्स के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। नीचे जाने प्रोसेस। MyJio ऐप के माध्यम से अपनी पसंद के पेड प्लान के लिए साइन अप करें। आप 1 महीने, 3 महीने और साल भर के प्लान चुन सकते हैं। पेमेंट करने के बाद MyJio ऐप स्क्रीन पर एक बैनर दिखाएगा जिसमें आपको अपना सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। अगर आप चाहें तो नजदीकी रिलायंस जियो रिटेल स्टोर से भी अपना फ्री जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स ले सकते हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि आप स्टोर पर जाने से पहले एक बार कॉल करके कंफर्म कर लें। कैसे इंस्टॉल होगा जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स? सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए रिलायंस जियो एक टेक्नीशियन भेजेगा। टेक्नीशियन आपको सेट टॉप बॉक्स का वाउचर क्लेम करने के लिए MyJio ऐप खोलने को कहेगा। इस पूरे प्रोसेस में करीब 10 मिनट का समय लगेगा। सेटअप पूरा होने के बाद आप जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स को अपनी टीवी के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। पहली बार यूज करने पर सेट टॉप बॉक्स पहले कुछ अपडेट इंस्टॉल करेगा और रिबूट करेगा। साथ ही रिमोट कंट्रोल को भी फ्रेश सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स पर कौन कौन से ऐप उपलब्ध? जियो का यह सेट टॉप बॉक्स अभी हॉटस्टार, यूट्यूब रूट, जियो सेवन, जियो टीवी प्लस, सोनी लिव और जियो सिनेमा के साथ आता है। इसमें जियो स्टोर नाम से एक कस्टम ऐप स्टोर है जहां से आप सेट टॉप बॉक्स पर नए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विस के अलावा आप इस पर पसंदीदा गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं और खेल सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ टैरिफ प्लान के आधार पर आपको हॉटस्टार VIP प्लान, सोनी लिव रूट और अन्य ऐप्स का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेगा। क्या जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स पर लाइव टीवी चैनल स्ट्रीम कर सकते हैं? जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स एक आम DTH सेट टॉप बॉक्स नहीं है। हालांकि सेट टॉप बॉक्स में पहले से इंस्टॉल किए गए जियो टीवी प्लस ऐप से चुनिंदा लाइव टीवी चैनल एक्सेस कर सकते हैं। इनमें कुछ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और न्यूज चैनल शामिल हैं। उम्मीद है कि जियो फाइबर जल्द कुछ और लाइव चैनल को शामिल करेगा।